हेलो फ्रेंड्स, आज हम मटन आलू बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स मटन लिया है। सबसे पहले कुकर ले लें, गैस को ऑन कर लें, इसको अच्छे से गर्म होने दें। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें 1/2 कप ऑयल डालें, ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें 3 मीडियम बारीक कटी हुई प्याज ऐड करें। इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। इसकी कच्ची स्मेल जाने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लें। अब इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करें और इसको 30 सेकेंड्स के लिए इसी तरह से पका लें। 30 सेकेंड्स के बाद इसमें मटन ऐड करें। अब मटन को भी 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। यहाँ पर मटन को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 5 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लें। अब इसमें 4 हरी मिर्चें, जिनको इस तरह से मैंने आधा आधा कर लिया है, ऐड कर लें। 2 कसूरी मेथी के कट्टे, जिनके पत्तों को मैंने बारीक काट लिया है, ऐड कर लें। एक कट्टा कोतमीर का, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ऐड कर लें। इन सबको अच्छे से मिला लें। अब इस पर लिड लगाकर 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लें, ताकि टमाटे अच्छे से गल जाएं। यहाँ पर हमारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। देखिए, टमाटे अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें 3 कप पानी ऐड करें। अब लिड लगाकर 4 विजल्स आने तक अच्छे से पका लें। यहाँ पर अच्छे से 4 विजल्स आ चुके हैं। अब लिड को ओपन करें। अब इसमें 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू ऐड करें। इन सबको अच्छे से मिला लें। अब कुकर का लिड लगाकर 1 विजिल आने तक पका लें। यहाँ पर 1 विजिल आ चुकी है। इसको अभी ओपन ना करें, 5 मिनट के बाद ओपन करें। देखिए, यहाँ पर हमारा मटन आलू बनकर तैयार हो चुका है। ये दिखने में जितना अच्छा है, खाने में ही उतना ही टेस्टी होता है। आप भी बनाएं, ट्राई कीजिए। बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।